मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के शासकीय वाहन में सवारियां ढोई जा रही हैं। बाकायदे चालक रास्ते में हूटर बजाकर सवारियां ढो रहे हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बढ़ती बेरोजगारी को नियंत्रित करने और राज्य के बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए यह नई योजना की शुरुआत की है, जिसका नाम मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना रखा गया है। इस योजना के द्वारा बेरोजगार युवाओं को मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत सरकार अपनी गारंटी पर वाहन खरीदने के लिए बैंक ऋण उपलब्ध कराती है और साथ ही उचित मूल्य पर दुकानों तक राशन सामग्री पहुंचाने का कार्य भी इसी वाहन द्वारा किया जाता है। लेकिन रीवा में इस मालवाहक वाहन का उपयोग सवारियां ढोने का काम कर रही हैं। यह पूरा नजारा शहर के कलेक्ट्रेट कार्यालय से लेकर रेलवे स्टेशन मोड़ तक लगातार मीडिया के कैमरे में कैद होता रहा, जिसके बाद मीडिया द्वारा वाहन में सवार लोगों से जानकारी ली गई। उनका कहना है कि हम तेल और खर्च देकर इस वाहन से मैहर जा रहे हैं, लेकिन जब इसकी पूरी जानकारी वाहन चालक से ली गई तो वाहन चालक गोलमोल जवाब देते हुए नजर आया। वहीं शासकीय वाहन क्रमांक MP17ZE4914 रीवा शहर के कलेक्ट्रेट कार्यालय कई थानों की सीमा सहित यातायात थाने के चंद्र कदमों की दूरी से बकायदा हूटर बजाते वाहन चालक निकल गया, लेकिन किसी ने इस वाहन को रोक कर पूछताछ तक करना उचित नहीं समझा। अगर कोई बड़ी घटना घटित हो जाती है तो यह इसकी जवाबदारी होगी, आप सोच सकते हैं। आइए आपको सुनाते हैं वाहन में बैठी सवारियों के साथ साथ वाहन चालक का क्या कहना है। अपना है ये गाड़ी आई नीचे आई नीचे नीचे से ये गाड़ी बुकिंग में है। कितने में कितना कितना दिए हैं आप लोग? तो नहीं बता सकते आप गाड़ी में अभी कितने लोग सवार हैं? गाड़ी में कितने लोग सवार होंगे? कितने लोग हैं आप लोग गाड़ी में? 40। अच्छा, पर आदमी आपने कितना दिया पैसा? नहीं तो आपने कितना पैसा दिया? मैं अभी नहीं दिया है। नहीं तो देंगे तो है, कितना देंगे? कितने पैसे में बात हुई है वहाँ तक? अच्छा, कोई उसमें मतलब आयोजन है क्या वहाँ? जवा जा रहा है, जवा जवा इधर पड़ता है। नहीं नहीं, जवा अच्छा अच्छा जी। वहाँ से कहाँ जा रहे हैं? मैहर जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो कितने लोग हैं इसमें टोटल? 50-60 आदमी। 50-60 आदमी, ये बताइए गाड़ी बुकिंग पर है? लोग सेवा में है, बुकिंग पे नहीं है। अरे बुकिंग पे है, अभी आपके लोगों ने बताया बुकिंग पे है। कितने में बुकिंग? माता की सेवा में है। कितने में बात हुई, कितने में बुकिंग है वहाँ जाके आने का? पैसा कितना दिया? डीजल खर्च की बात है बस। कितना? विजय सिंह। कहाँ ये गाड़ी किस कहाँ की है, कहाँ लेकर जा रहे हैं? सर गाड़ी रीवा की है सर। कौन सी गाड़ी है? अन्नदूत। कहाँ लेकर जा रहे हैं इनको? ये घर के आदमी हैं, ले जा रहे हूँ जवा मैहर। ये सवारियों का कहना है कि बुकिंग में हम जा रहे हैं। कौन बोल रहा है बुकिंग में, बुलाइए हमको। नहीं तो फिर ये सरकारी गाड़ी है। कारण क्या है कि नए आदमी है वो समझते नहीं है। छोटे बच्चे अन्नदूत योजना की गाड़ी है, इसमें आपको केवल अनाज पहुंचाना और ले आने ले जाने का काम है। जी जी, सवारी पहुंचाने का। सवारी नहीं है, घर के कर्मचारी हैं सर। किसके परमिशन से आप ये कर रहे हैं? ये है कि जबा घर में बोया था तो इसी लाने के लेके जा रहे हैं। कौन से गाँव में? लिखित परमिशन नहीं है सर। बिना परमिशन के आप कैसे ले जा सकते? अरे तो घर के लोग जबा बोआ था तो उनको बोले चले। किसकी गाड़ी है, कौन है गाड़ी मालिक? गाड़ी है अविनाश साकेत। कहाँ के रहने वाले हैं? अपना तिगुरी लहुआ सगरा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है विजय सिंह। विजय सिंह जी, इसमें आप लोग क्या नाम है? ये लोग साकेत हैं, ये सब घर के आदमी हैं, उन्हीं के सब घर गांव परिवार के हैं। वो साकेत हैं, हम ड्राइवर हूँ। बकायदे आप हूटर बजाते हुए? नहीं नहीं, हूटर नहीं बजाए हैं हम सर। हूटर क्या है कि नए नए उल्लंघन करते नहीं 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 नहीं
भूटन की गाड़ी में आप सवारी ढो रहे हैं? नहीं, सवारी नहीं ढो रहे हैं सर, घर के आदमी है ले जा। घर के ही लोग हैं, पर इसकी परमिशन थोड़ी होती है कि आप अनुमति वाली गाड़ी में जा रहे हैं? नहीं नहीं सर, घर का इसको उचित मानते हैं सर? उचित उचित नहीं मानते हैं, पर घर के आदमी है, कोई बुकिंग वुकिंग में नहीं है। मेरे घर का जवाब है, घर से ले जा रहा हूँ, सेठ जी बोले कि घर के आए तो ले जा। वाहक में आप आदमी बैठाए हुए हैं? आदमी बैठाए हुए हैं सर, नियमानुसार है? नियमानुसार है तो नहीं पे, घटना घट जाएगी सर, ऐसा कुछ नहीं है सर जी, मैंने चलता है तो ऐसा कुछ बात नहीं है पे। घर के आदमी है, कोई बुकिंग वुकिंग नहीं, घर का पर्सनल जवाब है, ले जा रहा हूँ मैं। हर ये साकेत बता रहे हैं आप, सिंह बता रहे हैं, कहाँ से? नहीं तो हम ड्राइवर हैं सर। सर्व सुविधा युक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा, संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।